हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SJVN लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है इसको फ्रेशर्स कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सैलरी है वो 30,500 रुपये सैलरी है इसमें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फॉर्म के लिए कौन सी पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए है। इसमें जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट जिनके 55% हैं वो कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच जो है सिविल हो सकती है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये ब्रांच जो है डिप्लोमा इसमें एलिजिबल है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस के लिए इसमें इंटर विथ CA चाहिए या फिर MCOM की डिग्री चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 30 साल है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या कुछ बेसिक अलाउंस वगैरह क्या मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो है पहले साल जो है आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 16,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ जो अलग फैसिलिटीज़ DRS अलाउंस वगैरह अलग से मिलेगा। देन 1 ईयर के ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 35,500 कर दी जाएगी। बाकी जो अलग फैसिलिटीज़ है वो अलग से मिलेगी। इसमें प्रोवाइड लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं। देन अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें एक रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट ही सिर्फ इसमें होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो शिमला में होगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिख रहा है यहाँ कि हर एक डिपार्टमेंट मतलब हर एक कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है यहाँ पे। देन यहाँ पे सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड की बात किया जाए तो ये 3 साल का बॉन्ड है। मतलब आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 3 साल तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते हैं तो 1,00,000 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट के लिए है और 50,000 जो है SC ST कैंडिडेट के लिए देना पड़ेगा अगर आप छोड़ते हैं तो। देन यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट, OBC और जम्मू कश्मीर कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है जो हर एक एग्ज़ाम में दिया जाता है। देन यहाँ पे जनरल कंडीशन जान लेते हैं। जनरल कंडीशन है इस फॉर्म के लिए, ये फॉर्म वही कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं जिनका जो डोमिसाइल है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़ के कैंडिडेट ही जिस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जिन वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है जिनके रिजल्ट जो है अभी नहीं आए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं या फिर दिए गए लिंक, ये आप यहाँ पे ब्लू कलर का लिंक देख रहे हैं, उस लिंक पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कैरियर ऑप्शन में जाके। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है देना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपये है जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट है जैसे SC ST उनके लिए कोई मतलब इसमें कोई फ़ी नहीं है। तो ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का फॉर्म है, आपको किस तरह फ़िलअप करना है। क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैरियर ऑप्शन में जाएंगे। तो कैरियर ऑप्शन में जब आप करंट ओपनिंग को क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। देन आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब आप पहले उसको रजिस्टर करेंगे। देन यहाँ पे इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िलअप कर देना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी चीज़ इसमें पूछी गई है जैसे पूछी गई है आपको उस तरह इसमें फ़िलअप करके पेमेंट कर देना है। अगर एक्सपीरियंस है आपका तो कोई एक्सपीरियंस डाल दीजिए, नहीं तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए फॉर्म आया है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश इसको आप लीव भी कर सकते हैं। देन पेमेंट ऑप्शन में जा के आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और पेमेंट कर देंगे और लास्ट में अपना प्रीव्यू देख के सबमिट कर देंगे। तो ये इस तरह का कुछ फॉर्म है जिसमें आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका सिलेबस है। इस तरह का इनका सिलेबस है जिसमें जो है आपके 17 क्वेश्चन जो है आपके प्रोफेशन से पूछा जाएगा। प्रोफेशन जाने की अगर आप मैकेनिकल के लिए भर रहे हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 क्वेश्चन जो रहेंगे मैकेनिकल के रहेंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल के 70 क्वेश्चन रहेंगे मैकेनिकल के, 70 क्वेश्चन रहेंगे सिविल के, 70 क्वेश्चन रहेंगे प्रोफेशनल से। जो 30 क्वेश्चन हैं वो जो है नॉन टेक्निकल का होगा जिसमें आपके जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिकल के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछ सकते हैं 10 क्वेश्चन। तो इस तरह जो है इसका सिलेबस रहेगा। अगर आप हम सिलेबस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए, जनरल्स नॉन टेक के लिए, तो देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन जो है यहाँ से रहेगा। इसी तरह
मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर अवेयरनेस के, सिविल इंजीनियरिंग के, देखिए ये सिलेबस है पूरा, तो यहाँ पे ये सारा सिलेबस दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो है उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो शिमला, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल रखते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं पसंद आता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि आप वीडियो को लाइक ही करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।